हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज का ये वीडियो है, यदि आप 10th क्लास पास हैं और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है या आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में या आपने बीकॉम या आपने किसी भी विषय में बैचलर डिग्री ली हुई है तो ये वीडियो आपके काम का है। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आप ये वीडियो 23 मार्च 2019 के बाद देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का नहीं है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का जो जॉब निकला हुआ है वो 10वीं कक्षा पास आईटीआई या डिप्लोमा इंजीनियरिंग होल्डर या बीकॉम और बैचलर ग्रेजुएट्स के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्रेंड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लगभग 466 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। और दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं ये रिफाइनरीज में की जा रही हैं, और जो रिफाइनरीज की जो लोकेशंस है, ये रिफाइनरीज गुवाहाटी, पारादीप, बोंगाईगांव, डिगबोई, पानीपत, मथुरा, गुजरात और बरौनी के लिए की जा रही हैं। और दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं ये ट्रेंड अप्रेंटिस या टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पदों के लिए की जा रही हैं, और ये भर्तियां 1 से 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जा रही हैं। इसमें जो दोस्तों न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष ली जा रही है, और आयु की जो गणना है वो फरवरी 2019 को आधार मान के की जा रही है। हालांकि इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी आपको इसकी वेबसाइट से मिलेगी, और वेबसाइट पर वो कैसे जाना है और कहां से इसकी जानकारी मिलेगी मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आवेदन शुल्क, इसमें कोई भी आवेदन शुल्क आपको पे नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें जो चयन प्रक्रिया का माध्यम है उसमें आपका एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और उसी के आधार पर एक मेरिट तैयार होगी, कुछ स्किल टेस्ट देखे जाएंगे और एक सिलेक्शन प्रोसेस की एक मेरिट तैयार होगी जिसके आधार पर चयन किए जाएंगे। ये जो चयन की जो अंतिम तिथि है अप्लाई करने के लिए, ये 23 मार्च 2019 है। और अगर आपको वेबसाइट पर जाना है तो आप वेबसाइट देख रहे हैं वीडियो में, www.iocl.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहां से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद अपनी योग्यता के साथ आपको सर मिलाना है, और सब मिलाने के बाद में जब आपको लगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जिन पदों पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उन पदों को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक बार मिला लीजिएगा। दोस्तों, लेकर चलता हूं आपको वेबसाइट का इंटरफेस पर, वहां पर दिखाता हूं आपको कहां पर आपको कैसे अप्लाई करना है, कहां पर आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं।